महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिवंगत पार्षदों एवं कर्मचारियों के सम्मान में शोक प्रस्ताव के साथ सदन की 18वीं बैठक संपन्न हुई। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान सदन के सदस्य, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व पार्षद, उपनगर प्रमुख, नगर निगम सदन के सदस्यों सहित निगम के अन्य 9 कर्मचारी के साथ ही महानगर में जो भी कोरोना से मौतें हुई हैं, उन सभी के प्रति शोक प्रस्ताव पारित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक व्यक्त किया गया है तथा संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है। उसके बाद महापौर द्वारा बैठक समाप्त करने की घोषणा की गई। बैठक में नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित नगर निगम के अधिकारी और पार्षद मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा,
सदन हाल में पार्षदों को बुलाया गया था और इसमें उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने रवि चौहान, पूर्व अवतार चौहान, वार्ड नंबर 31 कृष्णा नगर, हरिश्चंद निषाद, कार्यकाल कमाल अहमद खान, श्रीमती इंदिरा सिंह, श्री मुशीर अहमद, श्री हाजू मोनू मुस्तफ़ा, श्रीमती अमीदून, ये हमारे 6 पार्षद थे जो पिछले दिनों दिग्वंत हुए हैं, इनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ हमारे जो कर्मचारी गण हैं, राजेंद्र सिंह, अमरनाथ राम, राम आश्रय सफाई कर्मी, अनिल निषाद बेलदार, विजय बेलदार, शिव प्रसाद सफाई कर्मी, ललन बेलदार, श्री राजेंद्र सफाई कर्मी, ध्रुव नारायण यादव, ये हमारे 9 कर्मचारियों को भी नगर निगम के पास को श्रद्धांजलि दी गई है और उनके आत्मा की शांति के लिए सभी पार्षदों ने 2 मिनट मौन रखकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। यह हमारे नगर निगम की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की परंपरा है और ये हमेशा चलता रहता है कि हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति के दिग्वंत होने पर उसके प्रति अपनी श्रद्धा और पुष्पांजलि दें। इसी के तरह यह कार्यक्रम आज सदन भवन में किया गया है, इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। 7 तारीख को विधिवत बैठक पूर्व एजेंडे के हिसाब से हमारे NXC में होगी, जिसमें जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था के लिए जो प्लान रडार सर्वे द्वारा तैयार किया गया है उसका प्रेजेंटेशन होगा और सभी पार्षदों को उसको दिखाया जाएगा कि हमारा इस तरह से प्लान ड्रेनेज का बन रहा है। उसको देख करके पार्षद अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फुल प्रूफ वाटर लॉकिंग की जो हमारे शहर में समस्या जटिल है, क्योंकि शहर हमारा एक कटोरे नुमा है और पानी निकलने में काफ़ी दिखाई होती है।
इसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य योगी जी ने एक प्लान तैयार करने को बोला था, उसका सर्वेक्षण हो गया है, उसी का प्रेजेंटेशन करके सभी लोगों को दिया जाएगा, राय भी ली जाएगी और उस पर काम भी किया जाएगा। ये सारी बातें 7 तारीख को NXC भवन में होगी।